फिर उतर गई चैन। इसकी वजह से मैं रोज परेशान हो जाऊं, मैं रोज लेट हो जाऊं। चलो चढ़ तो गई चैन। अरे भगवान, लिया रोटी, मैं आज फिर लेट हो गया, वो ठेकेदार फिर चिक चिक करेगा। रोटी तो मैं कद की पैक कर दूं, तुम्हें पता नहीं क्या खेचड़बाजी करते रहो। अरे क्या करूं यार, इसमें चैन उतर जाए इसकी बार बार। फिर जी जब इसकी रोज चैन उतर जा, आप इसने मिस्त्री का दिखा लो, नू रोज परेशान हो फिर तुम। अरे भगवान, तेने पता तो है पैसों की कितनी दिक्कत चल रही है, ठेकेदार पता लाऊंगा फिर ठीक करवाऊंगा इसमें। कोई बात नहीं जी, तंगी तुंगी तो चल दी रहा करे, फिर रोज की लेट हो तुम। चल कोई ना, देख लूंगा मैं, इमें चलू, मैंने बहुत बार होगी। ठीक है जाओ, ध्यान से जाइए। ठीक। हेलो जी भाई। हाँ भाई। वो थोड़े से पैसे चाहिए थे भाई। पैसे चाहिए थे? हाँ, मेरा प्रोजेक्ट तैयार करना। मैंने कितने चाहिए भाई? भाई 500 रुपए चाहिए बस। 500 रुपए चाहिए? हाँ भाई, पैसे मैंने भी चाहिए थे। मेरा आज रेलवे का फार्म है और आज उसकी लास्ट डेट है भाई। अच्छा भाई, तेना कितने चाहिए? मैंने भी 500 रुपये चाहिए भाई। अच्छा ठेकेदार भाई, पैसे तो कौन ही देगा। देख लो भाई, आज का चला लो, कल लेकर दे दूंगा। भाई मेरी तो मजबूरी है आज, और लास्ट डेट है अर्जुन आदि ने भाई, फिर 1-1.5 साल बाद चले जाओगी। सुना के भगवान। हाँ जी। जो मैंने तेरे साड़ी खातर दिए थे ना 5,000 रुपए, तो इन दोनों से दे दे, मैं तेरे फिर लेकर दे दूंगा साड़ी। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं दे दूंगी पैसे ना। ठीक है, ठीक है भाई, अपने भाभी पते ले लियो। ठीक है, मना वार हो रही है। ठीक है भाई। ठीक, तुम दोनों वहां बैठो, मैं लाऊं पैसे। ठीक है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मेरी साड़ी तो फिर आ जाएगी, इनका काम चल जाओ। आज लास्ट डेट है भाई फार्म। हाँ छोटे, मैं तो भूल गया था, मेरे दोस्त का फोन आया संजय का, और उसने मेरे तो बताया भी आज फार्म की लास्ट डेट है। चल कोई नहीं भाई, मैं तो चाहूँ अब तेरा काम बहुत जल्द बन जा, मेरी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नहीं मैं भी फिर फार्म भरूंगा। सही बात कह भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ आगी भाभी। हाँ लो। धन्यवाद भाभी। गिने ले एक बार। 500 बड़ा नकम्मा है, गिनी लिए ना अभी, फिर 500 का ही बनेगा प्रोजेक्ट, 500 से कम तो दुकानदार भी धार नहीं करने का। मेरे भी पूरे 500 के 500 जाओगे फार्म में। कोई बात नहीं, तुम 500 की जगह चाहे 1,000 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मन लगा कर पढ़ियो, कभी भी गलत संगत में ना बैठ जियो। थाने पता नहीं था भाई मजदूरी करने लग रहा, और किसी के नीचे काम करना आसान बात को नहीं होती है। हाँ भाभी, हमने सारा पता, अग भाई कितनी मेहनत करने लग रहा, और तू चिंता न ले भाभी, एक बार हम कामयाब हो गए ना भाई, ना तो राजा बना देंगे। और भाभी बुरी संगत तो हमने बहुत दूर, हमने टाइम ही नहीं मिलता उनके लिए बैठने का, आप इस चीज की टेंशन ना ले। बस यही उम्मीद है थारे ते मुझे, कभी भी बुरी संगत के पीछे ना पड़ जियो, और आजकल के छोकरे थाने पता ही है, घर कुछ और बोल कर जावे और बाहर जाकर कुछ और करे भी। भाभी तनवर पे यकीन नहीं है के? यकीन है, जब भी तो कह रही मैं। भाभी हमने गरीबी देख रखी, और गरीबी तो ऊपर जाएंगे हम, परमात्मा शुक्र रखा सारे काम बहुत बड़ी होएंगे। अच्छा टिफिन में के गल है आज अपना है? देख ले, कल भी भूखा रह गया था मैं। हाँ कल भी मैंने 4 पराठे दिए थे। 4? और मेरे में भी सेम ही होगा, बाद में कुछ अलग है ना, तेरे में अलग पाया। 4 तो कौन जवाब भी, 2 पराठे थे। अच्छा तुझे तो 4 भी दे दो, तुझे जब भी 2 ही लगेगे मैं। कोई बात नहीं, जा ध्यान से जाइए। ना कोई नहीं, चिंता ले। ठीक है भाभी, ध्यान रखियो अपना। ठीक है, ठीक है। देख क्या पार बसा है, वैसे ऐसी उम्मीद तो है नहीं इनसे कि कुछ उल्टा काम करेंगे, पर कोई बात नहीं, परमात्मा सही रखे, सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कर ले, ठेकेदार भी आना हो रहा है, ये लगभग अनुजी भी नहीं आया, 9:30 का टाइम हो रहा। राम राम मिस्त्री। राम राम भाई, राम राम। क्या बात यार, क्या ड्रामा है रोज का, ठेकेदार आने वाला हो रहा है, काम नहीं स्टार्ट हो रहा। भाजी साइकिल की चैन उतर गई थी, अरे घर भी कुछ काम से इसलिए लेट हो गया। चल कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा था, अरे इंटा वहां से पर लगाने लगा ले। ठीक है भाजी। बता
अरे भाई शेर, अरे क्या कर रहा तू? हाँ जी बाबू जी। अरे फटाफट ला चट्टा यार, फूलना तो पड़ा, फटाफट कोटो होगा जोड़ दे। कर रहा जी, काम कर रहा। कद करोगे? शाम हो गई यार, आजा तेरे यार, क्या बात है यार। बाबू जी खाली तो बैठा नहीं, करता रहा हूँ काम। फिर कब कर लेगा यार, इस शरीर का क्या बनेगा यार? तोड़ के भगा दे, इसकी राग ही बनेगी, कोई काम आप नहीं लगा। यो क्या बात करते हो यार? देख थोड़ा सा के लेट हो गया, कितनी सुननी पड़ा, और ठेकेदार तभी पैसे मांगूंगा, देखूंगा भी मांगने पड़ेंगे, नहीं तो भी सामने के बेरा देवा कि नहीं देवा। ले आ गया ठेकेदार, ये मांगूंगा पैसे। देखो भाई आज के काम कर रहे हैं। राम राम बाबू जी। राम राम। अनुज कहाँ तक पहुंचा काम? बाबू जी काम तो चल रहा जी, ढीला बहुत चल रहा। और मिस्त्री मेरा फोन आया और तो लेट आ रहा कई दिन हुए। बाबू जी लेट तो थोड़ा सा घर की दिक्कत है बाबू जी, थोड़ा सा लेट आया सर। जल्दी चला कर करते भाई, काम भी नहीं खींच हमारा। आगे तो कोशिश करूंगा बाबू जी, फटाफट खिंचवा काम ना जल्दी। ठीक है बाबू जी, एक बात करनी थी। हाँ बोल। मैंने थोड़े पैसे की जरूरत थी बाबू जी, थोड़े पैसे दे देते। पैसे परसों तेरे पैसे दिए, 10 दिन से पहले कोई पीछा नहीं है, आधे से पहले भी कह रखा मना। बाबूजी थोड़ी मजबूरी समझो, मेरे भाई हैं, मना नहीं पता किसी की मजबूरी का। ठीक है और काम कर ले जाकर, चल टाइम नहीं खराब करो यहाँ, रोज पीछे दे दो ना, रोज पीछे। आ भाई मिस्त्री कहाँ तक पहुँचा काम? हो गया सारा फाइनल। चल ठीक है, पैसे लेने जोग्य हो जाएगा माल को पते। ठीक है फटाफट करो अनुज, हाँ भाई इंटर फटाफट। लो भाई आज भी नहीं पैसे का जुगाड़ हुआ, आज फिर जो आप दे गया ठेकेदार ने, परसों जो पैसे लिया था वो मैडम ते दे दिए थे 75, आज वो भाइयों से दिलवा दिए। हर साल उसका बेचारी का त्यौहार निकल जाए और सिर पर त्यौहार खड़ा। लो पानी पी लो। क्या बात होगी, परेशान से लग रहे हैं। बस क्या बताऊं भगवान, ठेकेदार ने फिर मना कर दिया आज पैसे था, तू फिर रहेगी साड़ी के बगैर। मैं कहीं नहीं साड़ी बगैर बिद के जा रही हूँ, साड़ी पुरानी थोड़ी धरी है मेरे पे। फिर भी यार पिछले साल भी नहीं मैं दुआ पाया। कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लिया करो, घर में तो नहीं चलती रहा करे, उन दोनों का काम चल गया तो बहुत है बस, वही टेंशन लेते रहो बिना ही बात के। टिफिन बताओ कहाँ है? टिफिन आज भी नहीं खाया क्या? यार क्या करो, इतनी टेंशन में खाया जा करा, सवेरे सवेरे ठेकेदार ना सुनाया दी मिलता भी तू लेट आवा रोज, एक तो मैं साइकिल एक तो परेशान हो रहा बहुत ज्यादा। रोज की रोज नू नहीं चलता है, जब आपने 500 रुपए उन पे दुआ दिया आप साइकिल पे वास्ते भी ले जा सको थे। बस क्या करूं भगवान, सोचा तो नहीं था भी आज पैसे मिल जाते थोड़े बहुत, मां ठीक करवा लेता साइकिल, चेक पास आ जाता, नई साइकिल लेने की तो अपनी फिलहाल भी औकात भी नहीं है। फिर एक काम कर लो, मेरे पास तो कानों की है, इन्हें देके एक नई साइकिल निकलवा लो। अरे तू किसी बात करा है, 2-4 टूम तो तेरे पास आ रही हैं, इन्होंने बेच कर साइकिल लाऊंगा मैं। अरे भगवान ये भी फिलहाल अपना इतना बड़ा टाइम को नहीं आया। अच्छा फिर मेरी बात सुनो, आप इतनी टेंशन ना ले, तुम ही टेंशन लेने लग गए तो फिर ये घर किस तरह चलेगा? उन दोनों से तो हम कुछ कह नहीं सकते, तुम्हें पता पढ़ाई कर रहे, ज्यादा बर्डन नहीं पार सकते उनके ऊपर, फिर आप तो ठीक रहो। लेकिन अच्छा ये मेरी बात सुनो, मैं पानी गर्म करूँ, उठ का मुंह हाथ धो लियो। ठीक है ठीक है, टेंशन ना ले हो। टेंशन मैं नहीं लूंगा और कौन लेगा, सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही है। भाई की साइकिल तो बाहर खड़ी, वो देखा है क्या? देख भाई बाहर क्यों खड़ी कर रही है? तुम वैसे कर दी होगी अनुज भाई। अरे भाई आगे ठीक है भाई? हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। और भाई तेरा वो बन गया प्रोजेक्ट, सब इतना बनाना था प्रोजेक्ट तो बन गया भाई। अच्छा बहुत मेहनत लगी प्रोजेक्ट में।
चल भाई नई मेहनत करता रहा। अरे भाई तने भर दिया फार्म? हां भाई भर दिया फार्म मैंने। चल ठीक है भाई, इस बार लक्कत दिखाई है मैंने। भाई देखो कोशिश तो पूरी है, बाकी बाबा भली करे। हां मैं थारे खातिर मेहनत करा और मैंने था तने बहुत उम्मीद है। भाई चिंता नहीं लेवा, तेरी उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे और देख हम अपनी मेहनत में 1% भी कमी ना छोड़ रहे। और देखिए पैसे की टेंशन ना लियो तुम, थारे खातिर मैं रात की भी कोई नौकरी कर लूंगा। बड़े भाई होंगे हमने कोई दिक्कत है क्या? पर भाई एक बात और थी भाई, कहीं काम मिला ना हम दोनों भी भाई दिहाड़ी कर ले करेंगे। ना ना भाई तुम क्यों करोगे दिहाड़ी, मैं करूंगा, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। भाई केला किस तरह पूरा पड़ेगा तो इस चीज की तो टेंशन लो, मैं कल्ला कर लूंगा। अच्छा भाई मेरी बात, अगर तो अच्छा ना मदद करनी है नहीं, हम अपनी भाभी कर दिया करो, वो बेचारी सारा दिन कल्ली लगी रहा। डेली कर रहा हूं भाभी की तो हम मतलब की मदद कर रहा है, पर भाई देखो मतलब की मन कर रहा है कोई ऐसी रात की ड्यूटी हो कुछ भी मतलब की हम मदद करेंगे। तो हम किस तरह पढ़ोगे फिर? संडे ना तो भाई फ्री रहा, संडे संडे ना ठीक है नी। अरे नहीं मैं कह रहा ना कमाने वाला मैं रहा, हम पढ़ाई में ध्यान दो। भाई संडे की छुट्टी हो हमारी। भाई मेरे तेरी भाभी ने मैंने हमने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, हम ये सपना पूरा करोगे तो और कौन करेगा? भाई वो सपने हम जरूर पूरा करेंगे, पर यह थोड़ा सा वो टाइम लगता है, भाई ना थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है प्रमोद भाई। चलो फिर देखेंगे, थारी भाभी ने रोटी बनाए रखी, जाएगा तो हम खा लो। अच्छा अरे आपने खा ली रोटी? ना मैं आने लग रहा। अरे वो साइकिल भाई बाहर खड़ी कर दी। बस कोई नहीं भाई, क्या करूँ साइकिल तो मैं बहुत परेशान हो गया। साइकिल कोई बात नहीं, आओ भाई हम अंदर चल रहे हैं। ठीक है भाई ठीक है। कितने अच्छे भाई मिल रहे मैंने, जरूर मेरा सपना पूरा करेंगे, ये वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। चलो खा लूं मैं भी रोटी। रोटी भी खा ली। अरे बागवान टिफिन लिया मैं फिर लेट हो गया, इस साइकिल की चैन ने ठेकेदार ने तो बहुत दुखी कर लिया, मैं फिर गालियां सुनावेगा मना। ले आई टिफन तो मैं खा लिया क्या खाना? खा लिया, थोड़ी जल्दी करे कर यार तू। अच्छा जल्दी करे कर, खा भी लिए इसने? खा लूंगा। अरे वो कहूं थी मैं आज आटा खत्म हो रहा, सान सान जो घर रह रहा बस। अच्छा तू भी एट ए टाइम बताया कर। ये बैठे टाइम क्या मैंने क्या दिखता नहीं, बताओ मैं किस तरह कह दू शर्मिंदी, फिर कहना ही पड़ा बाद में तो। चल कोई नहीं, आज फिर ठेकेदार से पैसे मांगूंगा, देखूंगा देवेगा नहीं देवेगा। अरे ये बुरसट वाई नहीं है मम्मी ने दी थी? हाँ पहचान ली तेना, देखो इसने भी कितना टाइम हो गया नहीं, कितने साल हो गए ये चला रहा मैं। क्या करें जी, मेरी सासू ने जो दी थी यार। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो दिन बोड़े गई। हाँ। अपने भी दिन अच्छे आवेंगे। अच्छा कद आवेगी तेरी मम्मी, बुला ले एक आध दिन किसी दिन। अरे वाह कहाँ आवे, आपने पता भी मार तो रहे जा, ऊपर तो घर की भी जिम्मेदारी थोड़ी है क्या उसके ऊपर। चल किसी दिन छुट्टी वाले दिन मिल कर आएंगे फिर। कोई बात नहीं यार, इसमें रोटी आज खत्म करके लाइयो नहीं सर, टिफिन को बाहर फेंक आइयो। चल तू टेंशन ले मैं खा लूंगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाइयो और ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा प्रमोद अंकित कहाँ है? अंकित तो जा लिया, प्रमोद अंदर ही है। अच्छा हाँ प्रमोद तो भी लग गया नहीं? भाई बस जान लग रहा है, लेट हो गया मैं थोड़ा सा। अच्छा मैं भी लेट हो गया। अरे भाई एक बात करनी थी मैंने। हाँ भाई बता। मेरी एमए तो होगी। अच्छा और मैं बीएड करना चाहूँ भाई, उसके बाद ना मैंने नौकरी मिल जाएगी। अच्छा रहा। हाँ भाई फिर की दिक्कत है भाई? भाई उसमें थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे। कितने चाहिए भाई? भाई 2 साल की फीस 80,000 रुपये है। 80,000 और खट्टी जमा करवानी पड़ेगी। चल तू टेंशन ले, तेरा भाई रहा, मैं करूंगा पैसे का अरेंजमेंट और तू जिला का पढ़िए। ठीक है भाई? ठीक है भाई हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, तू टेंशन ले। ठीक है भाई ठीक है भाई हैं? ठीक है ठीक। कहाँ से करेंगे पता नहीं कभी, बस अकेले होते तो बात भी करती, चल जब शाम को आगे जब कहूंगी। अब तक भी नहीं आया, क्या पता कहाँ रह गए। अंकित भाई साहब। हाँ भाभी। आ गए आप? हाँ आ गए भाभी। कैसी रही पढ़ाई? बढ़िया चल रही भाभी, आप सुनाओ। बढ़िया, वो आपके भाई साहब नहीं आए अब तक भी? वैसे तो आ जाते इस टाइम तक, आए नहीं अब तक? अब तक नहीं आए, एक बार फोन करके देख लो। ठीक है भाभी मैंने फोन करके। मेरे तो जी सा घबरा रहा। चुप
भाभी फोन तो स्विच ऑफ है भाई का। फोन स्विच ऑफ आ रहा? हाँ स्विच ऑफ तो नहीं करते हैं कभी फोन। चलो कोई बात नहीं भाभी आ जाएंगे, कुछ काम की वजह से रुक गए होंगे कहीं ना। मेरे तो बहुत ही जी घबरा रहा भाई साहब। कोई बात नहीं भाभी, घबराने वाली कोई बात नहीं, आ जाएगा भाई। एक बार और देख लो ट्राई करके। वो देख ले भाभी वो आएगा भाई। कहाँ रह गया था भाई, बहुत लेट कर दिया। बस क्या बताऊं भाई, बहुत परेशान हो गया मैं। फोन भी बंद आ रहा है, आपका क्या बात हो रही है? एक और ये भी डेड हो गया। लाओ टिफिन दो। गिर गया था, स्क्रीन टूट गई। क्या बात भाई, कुछ परेशान से लग रहा है। बैठो यहाँ से पानी लाऊं मैं। पता नहीं क्यों जब भी काम पर जावा जदी मूड खराब करके आवे, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। तो बैठ इनके दौरे तो भी। क्या बात होगी भाई, भाई आज कुछ परेशान से लग रहा। कुछ नहीं रे भाई, मेरे तो छोड़ तो अपने सुना और नौकरी ना करिया कहीं देखा। भाई मैंने जो वो फार्म भरा था ना उसका भी कुछ नहीं होया, और मैंने कहीं फार्म भर लिए भाई, कहीं भी बात नहीं बन रही। तो एक भाई था वो मेरे तने को होता, मैं तेने ना डीसी रेट पर लगवा दूंगा। अच्छा, पर भाई उसमें समस्या एक है। के भाई वो ना 40,000 रुपये मांग रहा है। 40,000? हाँ बोला 40,000 रुपये दे दे और तेरी नौकरी लगवा दूँ। और भाई एक बात हो रहा, वो ना सरकारी वर्ग की नौकरी है। अच्छा चल भाई, तो टेंशन लेवा मैं करूँगा कुछ अरेंजमेंट, ठीक है? पक्का भाई? हाँ तो टेंशन लेवा, ठीक है मैं उस तरह कर दूँ। हाँ कर दे, मैं कर दूंगा इंतजाम, ठीक है भाई? चल ठीक है भाई, मैं उससे पूछ के और मैं उसने कह दूँ भाई, जिब वो कहेगा ना जिब मैं आपको बता दूंगा और आप फिर कर दें। ठीक है भाई, कोई बात है तो टेंशन ले, ठीक है मैं कर दूंगा पैसे। ठीक है भाई, आ जा भाभी, जा तू भी बैग बुक रखे अंदर ही हो। ठीक है भाभी, खाना मेल कर रख दे मैं तेरा खा लिए, ठीक है? ठीक है भाभी। क्या बात होगी, क्यों परेशान से हो रहे हैं? बस के बताऊं रे जनी, आंधे आंधे गिर गया साइकिल, तेने पता है साइकिल कितना तंग कर रही मैंने, और फोन करो नुकसान हो गया। और मैंने फिर तो मैं कितनी बार कह दिया लेकिन तुम मानो मेरी। अच्छा एक बात बताओ, वो सुबह प्रमोद कह रहे था कहाँ अदा करोगे सब कुछ? ठेकेदार पता, मैं अंकित देखूंगा। ये अंकित भाई साहब क्या कह रहे थे? अंकित ते भी कोई लगवाने लग रहा और वो 40,000 रुपये मांगने लग रहा, अभी इतना नौकरी लगवा दूंगा डीसी रेट पे और 40,000 रुपये मांग रहा वो। देख भी लियो, कभी कहीं उल्टे पंगे में फंस जावे तब पता ही सीधे से हुए हैं। नहीं नहीं तो सियाने हैं भाई मेरे, सियाने पता लग ही जावे 40,000 रुपये देगा, अब मैं कहाँ तक करूँ पैसे। अच्छा मेरी बात सुनो इब्जा, ये इतनी टेंशन तो लो ना, मुझे पता कि एकदम तो सिर्फ बाहर तो पड़ी जावे। रजनी मैं तेना बता नहीं सकता मैं इस टाइम कितना परेशान हूँ। इतनी टेंशन नहीं लिया कर दे, घर परिवार में तो सब कुछ चल ही करे नु। अरे एक मिनट बैठो मैं भी आऊँ, यो फोन अंदर रख दूंगी। पे करूँ मैं, बहुत परेशान हो गया, कहाँ तक लाऊँ पैसे? पर भाई हमारा फ्यूचर भी बहुत जरूरी है, जो एक बार नौकरी लग गए तो बारे न्यारे हो जाएंगे अपने, ऐसे वो जुगाड़ करना पड़ेगा। सुनो के हाँ लो यू के ले आई तो मेरी टू में ही पागल है तू, ये तो अपने लवे रख। कोई बात नहीं, अड़ी भीड़ में काम नहीं आओगे तो फिर कब आवेंगे ये? इन्हें देखा इन दोनों भाइयों का कर दो तुम। नाराज नहीं, मैं टूम नहीं बेच सकता तेरी। मैं इस टूम का क्या करूंगी, तुम टेंशन बड़े चौथे दे रखे हैं तेरी मम्मी ने, मैं बेच नहीं सकता। हम बेच थोड़ी रहे, हम तो गिरवी धर रहे हैं। तुम टेंशन ना ले, अगर तुम ही नहीं मेरे साथ रहने के फिर मैं इन टूमों का क्या करूंगी। इन्हें देखा और भाइयों का कर दो तुम। चल तू कह रही है तो, और तेरा मंगलसूत्र, तेरा मंगलसूत्र भी दे दिया गया अपना? हाँ जी वो सब इसी में ही है। वो तो रख ले तू ना, समझा करो, 4-5 तो टूम है ये, इनमें भी रख लूंगी फिर क्या देवेगे ये, तो फिर वापस लौट कर मेरी धुरा आनी है, और जब इनका अच्छा काम चल जाएगा ये अपने आप ही नहीं दुआ देंगे मुझे। जल्दी छुड़वा लूंगा मैं, भाई की नौकरी लग गई ना एक बार फिर तो जल्दी छुड़वा लूंगा, तो टेंशन ना लिया। अच्छा ना ना जाओ आप है, ठीक है।
इतनी टेंशन लेंदे रहा ही, कितना समझाऊं इनते टेंशन ना लिया करो। एक तो भगवान ने भी इतनी माड़ी कर रखी है, काम में भी कुछ नहीं बरकत हो रही इनकी। चलो गए तो हैं। रजनी। हाँ जी, आगे आ गया। लाइया धर ले। क्या बात है कि नहीं आए? बस धर ले तो यार। इसमें क्या बात होगी बताओ तो सही। जो तने इन टुम्मो की सच्चाई बताऊंगा ना, तेरे पैरों के नीचे तो धरती खिसक जाएगी। क्या बात होगी है? वो तो हमने पैसे की जरूरत पड़गी, यू भी राजा मनाज पता लग गए इतने सालों में। ये तेरी माँ ने नकली टुम दे रखी है। क्या? हाँ वो तो सुनार मेरा जानकार था, जो उसने मेरे तक अगर भाई तेरी जगह कोई और होता ना अब तक का तो मुझे थाने में करवा देते। नहीं झूठ बोल रहे, तो मेरी माँ थोड़ी मेरे लिए इस तरह कर सके। तो फोन करके पूछ ले, बुला ले उसने अपनी माँ ना। ना तब में कोई गलत फहमी हुई है? मैंने अच्छे से चेक करवाई है, सुनार ने कहा है नकली टूम है। यहाँ नकली टूम है? हाँ अपनी माँ ने बुला के पूछ ले। माँ पर फोन करूंगी। आओ बैठो एक बार यहाँ से। भगवान ने के घड़ी मारी गेल, इतना बड़ा धोखा दिया सासू ने भी। 10 सालों में आज पता लगे पता टूम भी नकली निकली है। यो फोन भी मैंने अंकित पर चालू करवाया था, आज थोड़ा बहुत फोन मिलाने जो गद हो ही जा। बुला ले अपनी माँ। हेलो। हाँ माँ। राम राम। माँ करना ही एक बार। हाँ कुछ बात करनी। ठीक सा माँ। माँ नो कह रही मैं आऊं, तुम टेंशन ना ले, उन्हें सुनाना जरूर कुछ झूठ बोलोगा। मेरी माँ थोड़ी नो कर सके मेरे साथ। किसी बात कर रही है, सुनार झूठ क्यों बोलेगा? तेरी माँ जी ना उसी तो पूछ लिया सच्चाई का। पैसे का जुगाड़ कहाँ था करूँ मैं? इब रजनी एक ही जुगाड़ करना पड़ेगा। इब घर के कागज दे दे मेरे तक, इब यहाँ गिरवी धरने पड़ेंगे। घर के कागज नु गिरवी धरे जागे? ताऊ की बहन से बंद रही है, आधी जगह तो ताऊ की है। फिर कोई हम तो गिरवी रखेंगे, बेच थोड़े न रहे हैं। कल ना भाई लग गए अपना फिर छुड़वा लूंगा कागज। ना जी यह तो बहुत गलत बात हुई, कम से कम सिर्फ 50 तो थी अपने, ये भी अभी नहीं रहने की है। इसीलिए तो मैंने टूम दी थी, मैंने कहा चल काम चल जाएगा थोड़ा बहुत। ये रजनी मैं क्या करूं, मेरी भी तो मजबूरी है, भाई भी जरूरी है, ये भाइयों के लिए तो करना पड़ेगा ना। मन तो नकली टूम माए, मन तो नू संभाल कर रखे थे कि असली है, कदे भीड़ भगत में काम आवेगी। बहुत माड़ी कर रहा राम जी मारी गल है। अच्छा सुनो तुम क्यों रोन लग रहे हो, अब बता मेरे पर देखे नहीं जानता नो। मैं क्या करूं रजनी, मैं बहुत मजबूर हूँ। नु तो मुझे भी पता तुम मजबूर हो, पर तुम टेंशन ना लो, मैं कागज दूला के जिस तरह तुम्हें ठीक लगता हो उस तरह कर लो। लिया जमीन तो मैं फिर छुड़वा लूंगा, भाई की नौकरी लग जाएगी, देखी जाएगी। रजनी, ए रजनी, कोई आया को ना सहक ना है? आएगी माँ। आजा माँ आराम तो देख। आगी बेटी ठीक है? हाँ ठीक हूँ। इसी के बात होगी चुपे बताने सीतावली बुलाई में बस ना, बैठ तो बताऊंगी आजा। मैं तो खड़ा पड़े नहीं हो छोड़ आएगी माँ, छोरी गला भी रहना, क्या बात होगी? कोई नहीं माँ तू बैठ, मैं तेरे वास्ते चाल आऊंगी। लगती है और फ्रूटा बड़का खातर बैठ माँ।
चाचू तुम्हें पिंती को ना सॉरी कर तुम बताया देख के बात से माँ देख बुरा तो मानिए ना ना बुरा बुरा के मैं शक्कर ला के दे दिया भाई खा लूंगी माँ देख मजाक तो हट गए मेरी बात सुन हाँ सुना बेटी मैं जो टोमा दी थी ना सारी नकली निकली हुई हाय नकली कुकुर लकड़ गई बेटी इब तक ना दी थी तो बताओगी वह बात तो ये बेटी बताऊं ठीक है जब तेरा ब्याह करा ना जब तेरा फुफा आ गया लुधियाने वाला नी बोला सारी टूम मैं करवाऊंगा और मेरी जान का है अति वे तेरे बाबू ने सारे पीछे उसको दे दिया तेरे बाबू गल डिगर गया मैं तो गई को ना थी सारे वहीं लिए ओ लिया दुआ का ना उसने बहुत टाइट हाथ चल रहा अरे इब छोर सद को तो मर भी गया इब तू मैं नकड़े लेके जाऊं मैं पता नहीं माँ मुझे तो ये बेटी कौन का था जरूरत पड़ गई थी घर में कुछ ये सुनार का गिरवी धरण गए थे वो तो बच गई है परमात्मा की देन तक कदे वो जानता है कौन था सुनार का ना माँ जानने वाला है वो भी जान का क्यों कहेगा आए बेटी ऐसा तो कौन होना चाहिए था उन बातों ना तो भी गए 12-13 साल और जईब कहा था कौन मानेगा बस माँ इस बारे में तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था इब तो क्या होगा तर तुमने इसी की जरूरत पड़गी थी जो तुमने टोम गहनी देनी पड़गी माँ जरूरत तो क्या पड़ दी उन दोनों भाइयों की पढ़ाई में चाहिए थे पैसे भाइयों की पढ़ाई में चाहिए थे पैसे हाँ माँ और बेबे तेरा नहीं बालक बच्चे हैं है? तुमने नहीं देख दे कमावेंगे अपना करेंगे माँ 12 साल तो ब्याह न हो लिए हाँ नू बता दे आज लगे न्याणा भी नहीं होया मेरा है मेरे तो वही न्याणे है बेटी देगा परमात्मा भगवान को भरोसा रखा कर है कितना भरोसा रखू माँ दवाई बट्टी कहीं तो चला नहीं सकती हूँ इनका हाथ देख कर इब जिस तरह किस तरह भी है जो भी है मैंने तो इन्हें अपने बच्चे मान रखे मान तो रखे सा बेटी फिर भी पढ़ाने का लिखाने का तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया इब आगे तुमने भी सोचनी सा अपनी इब खाओ और कमाओ उनको भाई करो और जमाई तो मेरा भोड़ा है तू तो समझ ले के मैं समझदारी तो काम लिया कर है जाने तूने को है नी अपने अपने आजकल के जमाने में बेटी कोई अपना नहीं सह आजकल तो अपने बालक भी को ना है हैं और तू तो फिर भी पढ़ी लिखी है तो ना तो खुद आना चाहिए ना माँ ऐसे को नहीं है वे बहुत लाड़ चा कर है मारा वे मारे बिना कदम भी नहीं रखा गया बेटी लाड़ चा तो तेरे नू कर रहे हैं ये पीछे दे देगा भाई भाभी नौकरी लाग जाएंगे बाहर लिकट जाएंगे कैसी कैसी बात करने लगी माँ तू बैठ मैं तेरे लिए चाह बना कर लाऊ बेटी चाह तो मैं पानी पी के आई हूँ कोई इच्छा नहीं है मेरी अरे चार वाली बसान नोरी मैं जाऊ हूँ डांगरा का दार डोकी करनी मना जा कर जाने अरे बेटे की जा रहा है बाहर न जा रही मैं तो फिर बोला ना उसने फोन करके उसको मिल जाएंगी चल बैठ तो आऊ मैं या गुंठी ले आई थी मैं खाली छोरी ते दे दूंगी इन तो लोक माँ पर जमाइन दिन तीर या तो असली है ये 20,000 की लियाई करवा कर ना बड़का तो लोक माँ इसका क्या भरोसा अपने देवर खातर इसने गिरवी रखा होगी इनके बाबूतिया देख के बाहर गुंठी ले आई थी मैं अपना पैर लूंगी ओ कोई किस्से का नाम था दी जमाइया की कितनी अमेर कर ले हैं ले वे बेरोजनी ले आई तो थी तेरे खातर पर मन ने पैर ली वह तो बोली हो रही अपने देवरा के पक्ष है न्यू निक पढ़ लिखा दिए और अपना लग जाएंगे और फिर इसका जूत मार का ना सांप जावेंगे देवर 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 क्या बढ़ा रही माँ तो क्या बढ़ा रही थी बेटी क्या मना बढ़ रहा नहीं आजा ले पानी पी ले पानी चाह बनाऊ मैं वो तेरे जवाई तो कह रहा लेट आऊंगा मैं शाम तक रुक जाए बेटी शाम तक तो मैंने रहन जाना देख डांगर डूंगर भी बंद रहे हैं और जाकर मन दार डोकी करना जाने अरे मैं चल लू बेबे चार वाली बस आन हो रही है अरले बेटी सो तेरे और सो बटे के और मैं चल लू बस आन हो रही है जाने अरे अपने ध्यान तो रहा करो घर में हाँ कोई जरूरत ना रो बटे तो मत ना दे दिए कदे अपने भाई है तो दे दे कोई बात नहीं चल लू मैं ध्यान तो जी है हाँ ध्यान तो जाएंगी बेटी गेट डुका जी मानो ये अच्छा बेटी कुत्ते बड़ा है ना ना बस डुका जी तू कुत्ते बड़े हैं ऐसी माँ भी राम जी बस बता नू तो कहने क्या गई रल मिल कर आई है अपने देवरों के लिए और भड़कान आ गई उरे चल 200 रुपये तो देगी सांझ का चून आ जाएगा चून भी खत्म हो रहा था आज तो
मैंने कहा दवाई लेते हैं, बुखार सा लग रहा मुझे। ले आ दी दवाई रजनी। एक काम कर भाई, उन्हें बुला लिया। क्या बात थी? बुला कर तो लिया। चलो मैं लाऊं बुला कर, तुम बैठो। हाँ। दवाई भी लेती हूँ उधर से। हाँ लिया। ये भी नहीं बनता, बस इब तो भाई तो पैसे देगा और मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। एक तो ठेकेदार पर भी अपना हिसाब करा लूंगा, भाई तो सौंप दूंगा सारी जिम्मेदारी। भाई ठीक भी है? ठीक हो भाई? और ठीक हो तुम? हाँ बढ़िया भाई। तबीयत सी ढीली लगा भाई? ना भाई, बस बुखार है। तो बुखार लगा भाई? भाई ऐसा कर, बाकी तो फिर बाद में होती रहेगी। दवा चला एक बार? ना भाई मैं ठीक हूँ भाई। चेकअप करवा कर पता चलेगा कि दिक्कत है। दिक्कत तो हो रहा बुखार इसका, सच बताइए। बुखार को तो कई दिन हो गए, लेकिन दवाई तो मैं ले आई थी इनकी। आराम लगे कुछ दवाई था? टेंशन नहीं लो तुम। आराम कहां से लगेगा? बिना चेकअप के को नहीं पता चलता भाई बीमारी के है। आजकल तना पता बीमारी कितनी चल रही। चल एक बार चला भाई। अरे भाई तुम टेंशन लो, मैं ले लूंगा दवाई। रजनी मैंने तेरे तो पैसे दिए थे ना, वो लिया एक बार। और सुना अंकित तेरा क्या चल रहा है? बस बढ़िया भाई। लुई जिस भाई का फोन आया था, बोला अंकित ने कुछ बताया नहीं? पर वो तेरा भाई मन तो बताया था, एडमिशन करवाना बाकी है मेरा तो भी। अच्छा चलो ले आई। ले अंकित ये 1,20,000 है, 40,000 तेरे हैं, 80,000 प्रमोद तेरे हैं ये। ठीक है भाई? और भाई अपना नौकरी लग जाओ भाई, ठीक है? ये पैसे देकर और देखे भाई इस चीज़ की दिक्कत ना लियो, पैसे की और जरूरत पड़ा ना बेझिझक मांग लियो मेरे पता है। ठीक है मैं ले आऊँगा पैसे, चाहे मैंने अपनी जान देनी पड़े चाहे कुछ भी करूँ, पर तो मैं थारे लिए करूँगा भाई। ठीक है भाई? मैंने थारे तो बहुत उम्मीद है। देख तेरी उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई तेरी तबीयत घनी डाउन हो रही और हम जा करेंगे भाई काम पर। बाप रेस्ट करो, करो बहुत दिन काम कर लिया ना भाई। ये भी तेरे 2 साल पड़े भी था तो पड़ेगा भाई, मेरी बात अंकित करेगा। मैं उसको कल जाके पैसे दे दूंगा, 1-2 दिन में मेरे इंटरव्यू होकर मैं लग जाऊंगा ड्यूटी, फिर आपने काम करने की जरूरत नहीं है। चल कोई बात नहीं, जब तो ड्यूटी लग जाएगा जब छोड़ देंगे। इतना छोड़ भी तो नहीं सकते, तुम्हें पता था वजह से हमने अपनी औलाद का भी कोई वो नहीं करे लालच, हमने तुम्हें अपनी औलाद मान रखी। जो भी कुछ है बस थम ही हो भाई, यो विश्वास हम ना कभी नहीं तोड़ेंगे। भाभी जैसा अपना सोच रहेगा ना उससे भी ज्यादा करके दिखाएंगे। और भाई देख ये भी तो मेरा बहुत टाइम पड़ा, भी तो मैंने 2 साल पढ़ाई होगी और जी भी नौकरी का फॉर्म भर पाऊंगा मैं तो। कोई बात नहीं, चलो अच्छे अपने टिफिन रखे सारे पैक करे हुए, अपने टिफिन लेकर कॉलेज चले जाओ। जाओ भाई। ठीक है भाई, ध्यान रखिए अपना, भाभी ध्यान रखिए भाई का। ध्यान जाओ बेटे, पैसे ध्यान तो दे दे। बुखार हो रहा तेरा बहुत तेज। कोई नहीं भाई, दवाई ले लूंगा मैं। चल ठीक है भाई, मैं दवाई लाऊं तुम पढ़ो। देख रजनी ये पापा टेंशन फ्री हो गए। हाँ इनकी टेंशन तो खत्म हो गई, नहीं सब तो ज्यादा ही नहीं कि टेंशन हो रही थी। चलो ये अपना लग जाएंगे नौकरी, ये किसी चीज की दिक्कत नहीं रहने की। तुम तो टेंशन ना ले, इब तुम तो ठीक रहो, जब तुम्हें कुछ हो गया फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी तरफ भी देख लो। अरे तू मेरी टेंशन ले, हाँ तेरी साड़ी जरूर ले आऊंगा मैं, भूल ले को नहीं मैं। मुझे नहीं चाहिए साड़ी सूड़ी, बस तुम ठीक रहो तो अपने टेस्ट करवा लाओ। चलो कोई नहीं करवा लेंगे। चलो अच्छा तुम पढ़ो, मैं आपकी टांग दबा लो। हाय पता नहीं कहाँ रह गए, पर मोद अंकित भाई साहब भी पता नहीं कहाँ जा रहे। मैं ये एक बार देख ही आऊं जा कबार, मुझे लगा ही गए। प्रमोद भाई साहब,
अंकित भाई साहब। हाँ भाभी। कहाँ गए थे तुम, इतनी बार हो रही है? बस भाभी कुछ काम जा रहे थे। अरे घबरा क्यों रही, क्या बात होगी? मैं अब तक भी नहीं आया था रे बड़े भाई। आ जाएंगे भाभी, कोई बात नहीं, कहीं बिजी हो गए काम में। बिजी हो गए तो टाइम तो देख लो एक बार, 5 बजे घर आ जाओ। भाभी के मेरा कोई ऐसी बात हो, मतलब की थोड़ा लेट से बेर हो गया हो, कहीं चले गया हो। आओ मैं वही काम पे रुक गया हूँ, कुछ ओवर टाइम कर रहे हो। अगर ऐसी बात हो है ना, मुझे फोन करके बता दे कि मैं लेट आऊंगा या आने का नहीं, जो भी मर्जी हो। भाभी के मेरा उस दिन की तरह फोन उस दिन भाई टच नहीं खराब हो गई थी भाई, गिर गया था भाई पर। फिर उस दिन भी साइकिल पर गिरे थे, चोट लगती बची थी। आज भी कुछ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, जाके देखो बस। चल भाई देख फिर एक बार। चल भाभी देख, इतना ना घबरावा, ठीक है भाई? ठीक होगा, ऐसी बात नहीं, अभी कौन सवार होगी, अभी तो दिन बिन छिपा है। तुम जाके एक बार देख आओ, मेरे मन में जब तसल्ली होगी। चल भाई अंकित, चल चलो भाई देख आओ। अरे भाभी टेंशन ले तो, ठीक है हम जाने लग रहे। कोई बात नहीं, जल्दी आई और ठीक है। नहीं मुझे फोन करके बताइयो फिर। ठीक है भाभी। आंटी के फोन पे फोन कर दियो। ठीक है। पूरे 2 दिन हो गए, कुछ भी पता नहीं चला कहाँ है कहाँ नहीं। अरे इन दोनों का भी कुछ भी पता नहीं चलता, कहाँ जावे ये, कहाँ नहीं जानते, कुछ भी बताएगा नहीं जानते। आज तो मैं अपने आप ही जाकर कंप्लेंट करवा का हूं, कम से कम कुछ तो पता करेंगे। मैं ये तो अगर जो मैं बैठी रही, मैं खुद ही जाऊंगी आज। भाभी, भाभी कहाँ जावा? आजा अंदर एक बार। अंदर कहाँ तो आजा। चलो तो एक बार बात कर लेते। क्या बात करनी? अंदर तो चलो एक बार। कहाँ जावा? कुछ पता चला भाई का तेरे? पता चल जाए भाभी, चिंता नहीं लेवा तो घबरा क्यों रही? 2 दिन हो गए तो मैं कहने लग रही हूँ, मैं सुन रहे हो कुछ मेरी तम बात? भाभी हम सुन भी रहे, समझ भी रहे, आप हमारी बात समझो। भाभी हमने अभी तो चिंता है भाई की। वो तो मुझे दिख रहा कितनी चिंता है, 2 दिन तो उनका कुछ भी पता नहीं है, ना कोई फोन आ रहा, ना कुछ पता है कि कहाँ गए कहाँ नहीं, और तुम अपनी मौज मस्ती में घूम रहे। भाभी इसी बात ना कहवा, मौज मस्ती में ना घूम रहे, हम ना भी भाई की चिंता है, हम भी भाई ना ढूंढने लग रहे। अगर ऐसी चिंता होती नहीं, उनकी कंप्लेंट करवाया जाकर, कुछ तो पता चलता। कंप्लेंट तक कुछ ना पता चला भाभी। एक काम करो, तुम बैठो मैं आऊँ। भाभी सुन मेरी बात सुन, कंप्लेंट ना करे, आ जाएगा भाई, 1-2 दिन और बाट देख ले बस। अंकित भाई साहब इस अंदर ले जाओ, मैं भी आ रही। आप सुनो तो एक बार। भाभी 1-2 दिन बाद हम खुद जाकर कंप्लेंट कर देंगे। मैं तेरा का हाथ जोड़ू, मेरे पास ना उनके अलावा कुछ नहीं है। भाभी मारे भी तो उनके अलावा कुछ नहीं है, बात तो समझ लो मारी, मारी तो मैंने एक बार, 1-2 दिन और वेट कर ले, फिर मैं अपना खुद लेकर जाऊंगा, फिर हम कंप्लेंट करा देंगे। भाई ये तो भाभी तो सच बतानी पड़ेगी, क्योंकि बात ज्यादा होगी। आ जाओ भाभी। देख भाभी इसी बात ना है कि हमने भाई की चिंता को ना। भाभी हम भी भाई तो बहुत प्यार करें। भाभी देख हमने तेरे से बात छुपाई। क्या बात छुपाई? भाभी देख तू चिंता लेवेगी, इस वास्ते हमने बताने की हिम्मत को ना हुई। अपने लवे तुम मन्ने क्यों नहीं दिख रहे वे? भाभी भाई हॉस्पिटल में है। भाई कहने भाभी काम करते हुए चोट लगी थी वहां। चोट लगी थी? हाँ। तुम्हें किसने बताया? ठेकेदार का फोन आया था। कब?
तीन दिन पहले हर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था हमने। तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। हमने तो भाभी ने नहीं बताया तो मैं बिगार बात भाभी टेंशन लेवेगी। अरे इतनी बुराई समझ ली तुमने मुझे, तुम मेरी हालत तो देखो कि मैं किस तरह यहाँ रह रही होंगी उनके बिना। तुमने मेरे दिल से बातें छुपाई। भाभी कुछ सोच समझ कर नहीं बताई होगी। देख अगर उस टाइम हम तेरे ते बता देंदे। तू कितनी टेंशन लेंदी भाभी, भी देखा आपने कितनी टेंशन हो रही। अरे कम से कम मेरी नजरों के सामने तो देवे, मैं तो देख तो पांदी। भाभी एक बात हो रहा है। ये क्या बात रहेगी भाभी, बता दो बता दो। सुन रही मैं तो बैठ गया तारी बात। ये भाभी भाई की आंखों की रोशनी चली गई। अंकित भाई साहब क्या, प्रमोद भाई साहब क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है ना। भाभी भाभी ऐसी चाहिए और आपने बात माननी पड़ेगी। हमने भी बहुत दुख, इसलिए हमने आपसे बताया था। नहीं भाई साहब तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान मेरे साथ इतना न्याय से भी नहीं कर सकता ना। मैं उनके पास जाऊंगी, कहाँ है मैं। चलेंगे भाभी चलेंगे, हम जाओगे आपने लेकर निकलो भाई। नहीं इसलिए कहोगे नहीं हम। छुट्टी कब मिलेगी भाई, क्या कहे था डॉक्टर ने? छुट्टी आज ही मिल जाएगी भाभी। तो फिर तुम उन्हें लाए क्यों नहीं? बस ही बुलाएंगे। एक काम करो खड़े हो उनकी छुट्टी करवा दो, घर ले आओ, मैं उनके तरह लेकर चलो ना। भाभी आप ये रहो, वहां जाकर और दिक्कत आ जाएगी, हम जाकर लेकर आओगे भाई ना। लेकर आओ जाकर जाओ। ठीक है भाभी, देख चिंता न ले, हम रहे ये तो जो परमात्मा। मुझे ले आओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। कोई बात नहीं भाभी, जो परमात्मा ने लिखी थी वो ना कोई टाल सका। तुमने मेरे तो छुपाई, अरे इतनी बड़ी बात मैंने किस तरह जी मान गया मेरे तो छुपाने का। भाभी मारी भी मजबूरी थी, हमने इस खातर नहीं बताया। प्रमोद भाई भी नहीं बोलिया, बोला भाई भाभी तेरी बताइए, अभी भाभी तो बता देंगे, भाभी टेंशन लेगी। अरे ना कुछ हो जाता मैं कहां जानती, किसने कुछ कहते मजाक, कौन मेरा अपना होता उनके सिवा। अगर भाभी होनी ना कोई टाल सका है क्या, जो परमात्मा ने हमारे भाग्य में लिखी उसने कोई टाल सका था भाभी।